मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास मालदा। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और मालेगांव शहर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे पार्टी के जिम्मेदारान और हमारे जाबाज सिपाहियों का, जो मुसलसल 3 महीने से मुसलसल इलेक्शन लड़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, उन तमाम ही जाबाज सिपाहियों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्हीं की बदौलत और शहर की आवाम के बदौलत आज ये नज़ारा हम लोगों को आज देखने मिला। बहरहाल हम इंसान के बस में जितना होता वो करता है, हमारे कार्यकर्ता और हमारे बस में जितना था मेहनत, जद्दोजहद करना, लायमल तैयार करना, हमने किया। अब 23 तारीख को अल्लाह ताला फैसला उतारेंगे और मेरा ईमान है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला देते हैं और 23 तारीख के दिन जो फैसला आएगा वो कबूल करेंगे। दिन भर के इलेक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? मैं 1999 का इलेक्शन बहुत करीब से देखा हूँ, शेख रशीद साहब का। उसके बाद 2024 तक मैंने कई इलेक्शन देखे, लेकिन ये इलेक्शन बहुत अलग था, सब इलेक्शन से हट के था, सब इलेक्शन से हट के था। ये इलेक्शन में बहुत उतार चढ़ाव आए, हमारे मुखालफिन ने बहुत हथकंडे इस्तेमाल किए, झूठ फसाद का तो मॉल खोल के रखा था, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला टूटा नहीं और शहर की आवाम ने अपनी आँखों से देखा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन विकास और डेवलप की बात कर रहा है। हमारे स्टेज से हमने तामीर और तरक्की की बात की, हमने मैनिफेस्टो रखा, हमारा विजन रखा और उस पर हमने बातें की और मुझको उम्मीद है कि शहर की आवाम ने हमारी बातों को, हमारे मैनिफेस्टो को, हमारे विजन को कबूल किया है और जो मुखालफिन के गलत इल्ज़ाम, झूठे इल्ज़ाम जो लगाए गए, आवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया उससे। लेकिन ये इलेक्शन बिल्कुल हट कर था। मैं ईमानदाराना तौर पर एक बात बोलता हूँ कि कल मैं गोल्डन नगर गया एक फैमिली से मिलने, तो एक माँ और उसके वालिद बच्ची के, तकरीबन 1.5 साल की बच्ची होगी और वो नींद में से आई, नींद में उठी हुई थी, तो उनकी माँ और बाप बोलने लगे कि 2 दिन से आपको याद कर रही थी, इसलिए हमको पता चला आप यहाँ पर आए तो हमने उसको नींद में से जगा कर ले आए आपसे मिलाने के लिए। तो बोलने का मतलब 1 साल 1.5 साल के बच्चों भी, बच्चों की ज़बान पर भी मेरा नाम था और वो मेरे लिए दुआएं कर रहे थे और वो भी अल्लाह से, मासूम मासूम बच्चों ने भी दुआएं की है और अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी। बिल्कुल, शेख रशीद साहब जब हयात थे, हमारे बीच में थे, तो हमारी सरपरस्ती किया करते थे और वो बैठकर पूरा इलेक्शन लड़ा करते थे और मुझे लोड कम रहता था, मैं होम टू होम जाता था। लेकिन मैं इस साल इसलिए नहीं गया कि इलेक्शन मुझे पूरा लड़ना था, पूरा तड़जोड़ मुझे करना था, लायमल मुझे बनाना था, मेरे पास वक्त नहीं था। शेख रशीद साहब की कमी बहुत महसूस हुई और आज का दिन जब पेटी बंद होती है तो शेख रशीद साहब यहाँ बैठा करते थे, कार्यकर्ताओं से मिला करते थे, उनसे जानकारी लिया करते थे और अपना ओपिनियन जाहिर किया करते थे। आज उनकी कमी बहरहाल महसूस हो रही है और शेख रशीद साहब ने जो जो लायमल बनाते थे अपनी ज़िंदगी में, हमने उन्हीं के लायमल को अपनाने की कोशिश की है। इस इलेक्शन में ख़ास तौर से मैं बोलना चाहूँगा, शेख रशीद साहब का जो लायमल होता था, हमने उस लायमल को हमने अपनाया इस इलेक्शन में
और कुछ लाइमल हमारे कॉन्फिडेंशियल थे। एक ब्लूप्रिंट हमने तैयार की हुई थी, वो 4 महीने से ब्लूप्रिंट हमारी चल रही थी। अब हमको ऐसा करना है, अब ऐसा करना है, अब इंडिया गाड़ी छोड़ना है, अब मास्टर स्ट्रोक बताना है, अब नई पार्टी की बुनियाद रखना है। ये सब हमारा एक स्क्रिप्ट थी, एक ब्लूप्रिंट थी, और ब्लूप्रिंट के तहत हमने आज पेटी बंद होने तक ब्लूप्रिंट पे काम किया। वो कॉन्फिडेंशियल थी और वही ब्लूप्रिंट एक बाल बराबर भी उसके अंदर कोई हमने तब्दीली नहीं लाई, बाल बराबर भी तब्दीली नहीं लाई। हम लोग हमारे ट्रैक पे से हटे नहीं। और आज जो आप वातावरण देख रहे हो, मैं सही मानों में मेरा परिवार कभी भी हमारे जाबाज कार्यकर्ताओं का मैं ज़िंदगी भर एहसान भूल नहीं सकता। जिस अंदाज से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ज़बरदस्त, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और ये जो आज हमको दिख रहा है, ये मेरे कार्यकर्ताओं की बदौलत और मेरे पार्टी के जिम्मेदारान की बदौलत और ये शहर की आवाम की बदौलत दिख रहा है। बहरहाल इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। शनिचर के दिन 23 तारीख को फैसला जो आएगा हमको मंजूर होगा।